नमस्कार, मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आरा नेटवर्क। आज बात हरिद्वार जिले की। हरिद्वार जिले के रंग श्री सुभाष वर्मा जी के संग एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। उपलब्धियां जो हुई हैं, लोग बधाई देने के लिए आए हुए हैं। काफ़ी संख्या में यहां पर जो उनके समर्थक हैं और अन्य विभागों से भी लोग बधाई देने के लिए आए हुए हैं। जो भी उपलब्धियाँ उनकी रही हैं पिछले एक सालों में, फॉलो कर रहे हैं हम उनको पिछले कुछ समय से। जो जो काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, चाहे वो मंदिर को लेकर हो, चाहे वो अन्य किसी समस्या को लेकर हो, यशस्वी लीडर के तौर पर उभरे हैं पिछले एक सालों में। बातचीत करने की कोशिश करेंगे सर से। जनता की सेवा करना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है और वो कर्तव्य को मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जिला पंचायत अध्यक्ष बने एक वर्ष हो चुका है, आज दूसरे वर्ष में प्रवेश किया है। अब पिछले वर्ष में जो कार्य कराए गए उन सब को देखते हुए ये लोग इतने आए हैं, आपने देखा, ये सब इतने उत्साहित हैं और काम करने का ही परिणाम है कि आज इतनी भारी संख्या में ये जो लोग आए हैं ये केवल बधाई देने के लिए आए हैं। हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के रूप में अगर आप देख रहे हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये उनकी ही सोच हो सकती है कि सुभाष वर्मा जैसे ऐसे आदमी को ढूंढकर उन्होंने बैठाया कि 20 साल में पहली बार पता लगा है कि कोई ऐसी संस्था होती है। आप देखिए, पूरा अगर देखें इस चीज़ को, जो मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी निर्णय लिए गए पंचायत को लेकर, तो ये पहली बार महसूस होता है कि इनसे काम किया जा सकता है, लोगों की रास्ते ठीक कराए जा सकते हैं। मतलब आप ये देखें कि बड़ा तो बदलाव आप ही देख रहे होंगे। ये जो सबसे बड़ा गुंडागर्दी का अड्डा था, कम से कम आज यहाँ एक शरीफ लोग बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, एक अच्छी बात करते हैं, अच्छी सोचते थे। ये पहला मौका है जो 20 साल के मैं देखता हूँ उत्तराखंड के अपने इतिहास में, कि ऐसे लोग जो बता पा रहे हैं। हरिद्वार में आप देखिए, पुरानी भी देखा होगा कि पहली बार ऐसा हो रहा कि ऐसी संस्था है कोई। एक साल ही हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में वो उनका हुआ है और निश्चित रूप से एक मील का पत्थर कर दिया उन्होंने साबित अपने आप को कि आज तक कई दशक से जिला पंचायत हरिद्वार चल रही है। जितना कार्य मात्र एक साल में हुआ है, इतना इतने समय में भी यहाँ पर बैठने वाले चेयरमैन नहीं कर पाए। देखिए, हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई सुभाष वर्मा जी को एक साल जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, एक उनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। मैं समझता हूँ पूरा जितना भी जिले का ग्रामीण क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में समग्र विकास वो करा रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में मैं समझता हूँ पूरा जिला बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। एक साल का कार्यकाल वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्यकाल रहा है, क्योंकि जिला पंचायत के दृष्टि से जितना कार्य एक साल में हुआ है, हमने अपनी जानकारी में इतना कार्य नहीं देखा। हम जहाँ भी जाते हैं, हमें हर जगह गांव में सड़कें या कहीं भी निर्माण बहुत बोर्ड दिखाई देते हैं। बहुत काम जिलाध्यक्ष जी ने किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। वास्तव में बड़ा बेहतरीन एक साल हमने देखा। जिंदगी में पहली बार जिला पंचायत का महत्व का पता चला। आज से पहले जिला पंचायत का क्या रहता था कि घोटालों में लिप्त, वसूली में लिप्त। पहली बार पता चला कि निर्माण कार्य भी जिला पंचायत में होते हैं। पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष का चेहरा देखने को मिला कि उसने सड़कों का निर्माण किया, पुलियों का निर्माण किया। तो वास्तव में सुभाष जी व्यक्तित्व तो बेहतर है ही है, लेकिन कार्यशैली से उन्होंने एक साल में सभी लोगों का मन जीता है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। एक साल के कार्यकाल जो इनका पूरा हुआ है उसको, वो बेहतरीन कार्यकाल है। अब तक के जितने भी जिला पंचायत अध्यक्ष किसी भी दल के हों, अब तक जो बने हैं, जिन्होंने भी काम किए हैं, ये तो एक अलग ही तरह का है। जबकि इसमें 4 महीने का कोरोना काल भी रहा, लेकिन उसके बाद भी बेहतरीन 8 महीने का बेहतरीन काम। आप पूरे ज़िले में लगभग, आपने भी वो कवर किया ही है कि 200, मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा ही है वो, जिसमें 200 गांव तक ये पहुंचे हैं। हाँ हाँ, तो वो अभी तो देखो जो टाइम बचा है कहाँ तक पहुँचेंगे। हाँ, उन्होंने कहा है कि 20 करोड़ रुपये काम अभी होने बाकी हैं, तो वो काम होंगे ही। बहुत ही बेहतरीन अपना आपका व्यक्तित्व है और एक अपनी लोकप्रियता है जो बढ़ रही है, और ऐसी भाजपा को भी फायदा होगा और कार्यकर्ताओं को भी फायदा होगा और आम जन को भी फायदा होगा। जहाँ रोडें नहीं पहुँच रही थी वहाँ तक भी सड़कें पहुँच रही हैं। मेरा मानना ये है कि ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी और हरिद्वार जनपद के लिहाज से भी, क्योंकि ये पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जिला पंचायत अध्यक्ष बना है और पहली बार जनता को ये लगा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो पद है और जिला पंचायत का जो व्यवस्थाएँ हैं वो किसी एक परिवार के शिकंजे से निकल कर और जनहित के लिए उपयोग में आई हैं। जितना विकास कार्य इस बीच में हुआ है वह अतुलनीय है। मैं कहूँगा कि जैसा एक साल जिला पंचायत का इस बार देखने को मिला,
ये इस इतिहास इन्होंने बनाया। पर सुभाष वर्मा जी का पूरे ज़िले में जो इस जिला पंचायत अध्यक्ष का सम्मान हुआ, जो इसके काम करने का सम्मान हुआ, वो देखने लायक। और मैं आज एक वर्ष के कार्यकाल को अगर कम शब्दों में कहूँ तो कह सकता हूँ कि सुभाष वर्मा जी ने इस जिले की पंचायत, जिले की आत्मा को पवित्र करने का काम किया। लेकिन आज पूरे जनपद में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हर जिला पंचायत क्षेत्र का व्यक्ति मौजूद है और सभी को साथ लेकर सुभाष वर्मा जी यहाँ पर चल रहे हैं। और क्षेत्र में हमारे जो मानकपुर सीट, जहाँ मैं देखता हूँ कि मेरा भी मानकपुर सीट में ही गांव है, और वर्मा जी वहाँ से जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनकर आए और फिर अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक साल पूर्व कार्यकाल जो उनका ग्रहण किया उन्होंने, और आज तक का एक साल का जो उनका सफ़र है विकास से भरा हुआ रहा। देखिए, पहले जिला पंचायत 1, 2, 4 गाँव तक सीमित रहती थी। इस बार पहली दफ़ा ऐसा हुआ है एक साल के कार्यकाल में कि लगभग हमने 600 कुछ हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें हैं, हमने 200-250 के लगभग उन ग्राम पंचायतों को छुआ है। चाहे उसमें सड़क निर्माण हुआ हो, चाहे उसमें पुलिया का निर्माण हुआ हो, चाहे उसमें सीसी रोड बनी हो, चाहे उसमें शमशान घाट में छतरी का वो निर्माण हुआ हो, अद्भुत कार्य एक साल के अंदर हुआ है। अगर ये हमें 5 साल का कार्यकाल मिल जाता तो फिर पता चलता कि वास्तव में जिला पंचायत क्या होता है। मैं कई बार साथ रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो कोई बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गाँव में जब घुसते हैं तो ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि समस्या कहाँ है, खुद देख लेते हैं। और देख करके इतना दर्द इनको होता है कि खुद ही जब तक गांव में पहुंचते हैं कोई लोग इनको समस्या के बारे में बता देता है तो तब तक काम हो चुका होता है। कई काम ऐसे हुए हैं जो मेरी आंखों के सामने हुए हैं कि जब तक वो काम हो चुके होते हैं, जब हाँ कागजों में हो चुके थे, मतलब ज़मीन पर नहीं, लोग गाँव के बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, लेकिन गाँव काम हो चुके होते हैं कागजों में, कि अलग से ही अपना आप दर्द लेकर के अपने आप ही पीड़ा होती है, वो सब देखते ही हैं खुद, हम साथ में रहते हैं। बड़ा मैं पहले भी आपको बता कि मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ, बड़ा खुद को बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ अध्यक्ष जी को देखकर। और एक जो पुत्र होता है उसकी इच्छा ये होती है कि उसके अंदर उसके पिता के सारे गुण हैं और जहाँ तक उसके फिलहाल जहाँ उनके पिता हैं वहाँ तक वो पहुँचे। तो मेरी भी यही इच्छा है कि मैं भी अध्यक्ष जी के जैसा बनूँ, अध्यक्ष जी के जहाँ तक अध्यक्ष जी हैं वहाँ तक पहुँचूँ मैं। भगवानपुर विधानसभा की विशेषते मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूँ और निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ भी हमारे जिला पंचायत सदस्य जो अध्यक्ष जी के संपर्क के लोग हैं वो जहाँ जहाँ के भी उनके प्रस्ताव आए हैं वहाँ पर उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराने का काम किया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्षेत्र में काम हुए हैं। बहुत सारा कार्य जो जिला पंचायत में, हमें आज तक यही नहीं पता था कि जिला पंचायत में क्या ऐसे काम भी होते हैं। हम हमेशा सड़क और नल के तक ही सीमित थे, मगर पहली बार ऐसा पता लगा कि जिला पंचायत से वास्तविकता में ऐसे काम भी हो सकते हैं। हमने देखा है कि ज़िले की सबसे बड़ी संसद है जिला पंचायत, और माननीय सुभाष वर्मा जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है कि हम सदस्य बहुत गदगद हैं। हमें 4 वर्षों की जो निराशा थी वो उन्होंने 1 वर्ष में पूरा हमारे अंदर उत्साह और दोबारा लड़ने के लिए हमारे जोश पैदा कर दिया और ग्रामीण अंचल में बहुत सारा काम देखने को मिला। सुभाष वर्मा जी ने बताया है कि जिला पंचायत कोई चीज़ है, हमारा जो क्षेत्र है मानकपुर आदमपुर उधर हमने कभी कहीं कोई जिला पंचायत का बोर्ड नहीं देखा था और आज तमाम गाँव में जिला पंचायत के बोर्ड, गेट, हैंडपम्प, सड़क, पुलिया आदि बनवाई हैं। इसलिए हम इस कार्यकाल को एकदम सफलतम कार्यकाल मानते हैं। लोगों से हमने बातचीत की एक साल के कार्यकाल पर, बधाई दी गई। पहले भी हमने बातचीत की है गांव के लोगों से, एक्चुअल मुद्दों के बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि नेता कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। फॉलो किया था हमने, रोड को लेकर जो वादे किए गए थे श्री सुभाष वर्मा जी द्वारा वो पूरे कराए गए हैं और काफ़ी काम पेंडिंग है। उनसे इंटरव्यू में बातचीत जब हुई थी हमारी, यहाँ पर अपनी वाणी को आराम देते हैं। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क रुड़की, धन्यवाद।